कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ दोस्तों मैं हूं आमिर खान। बदल दे किस्मत एक ऐसा कार्यक्रम ज्योतिष का जहां पर आपके जीवन को बदला जाता है। कार्यक्रम के नाम से ही आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ, ये ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा, कैसे कष्ट आते हैं, क्यों आते हैं, ये तमाम जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को मिल पाती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय मिले जिनसे कर आप अपने जीवन खुशहाल बना पाए, तो आप लोग जुड़िए। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश होते हैं हमारे इस कार्यक्रम में लाइव में बात करने के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा फोन लाइव कार्यक्रम है जहां पर जुड़ने के बाद आपको अपनी परेशानियां बतानी नहीं पड़ती। गुरुदेव खुद आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका। जी नमस्कार जी। गुरुदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुदेव कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, कॉलर का सिलसिला शुरू हो जाता है कार्यक्रम के शुरू होते ही। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते हैं पहले कॉलर कौन है आज हमारे साथ। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी नमस्कार जी, गुरु जी चरण स्पर्श, जय माता। पूरा नाम बताइए अपना एक बार। हाँ जी, अमन चौधरी बोल रहा हूँ। अमन थोड़ा तेज बोले, डेट ऑफ बर्थ बताइए जल्दी से अपनी। हाँ जी, मुझे अपने पिताजी के बारे में जानना है। जी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1959। 9 जुलाई 1955। टाइमिंग बताइए। 1959। टाइमिंग? हाँ जी, टाइमिंग है सुबह के 9:05। सुबह 9:05। बर्थ प्लेस? पटियाला। पटियाला। आपके पास आपके पिताजी की जन्म कुंडली होगी? हाँ जी, बनी तो हुई है अभी। अगर आपके पास है तो उसे देखेगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, गुरु जी क्या कुछ आपको बताएंगे। सवाल अभी आपको हाँ जी गुरु। हाँ जी, ये आपके पिताजी की कुंडली जो है सिंह लग्न की है, राशि जो इनके हो रखे हैं कर्क राशि हो रखे हैं। इस कुंडली की जो परिस्थिति है इसमें सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है क्या अभी? हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है? जी हाँ हाँ जी जी। इनकी जो मुख्य अभी समस्या है वो स्वास्थ्य को लेकर के है। और ऐसे हाँ भी जो इस एज में है, इस एज में सबसे पहले व्यक्ति को स्वास्थ्य ही बहुत मायने रखता है। स्वास्थ्य अच्छे हैं तो सभी अच्छा होता है। तो ये सिंह लग्न की कुंडली है और स्वास्थ्य को मैंने इसीलिए कहा कि इनके जो खविदांश कुंडली है वहाँ पर इनका बना है केमदूम योग और 20 दोष। और ये केमदूम योग 20 दोष के कारण से और इनकी कुंडली में जो दशा अभी जा रहा है वर्तमान, वो दशा चल रहा है राहु में बुध की, तो हम कह सकते हैं कि मिला जुला करके जो परिस्थिति है वो लगभग 2019 से इनकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे तो गणना में आपका मार्च 16 से ही आ रहा है, मार्च 16 में राहु में शनि प्रारंभ हुआ और वहीं से इनकी थोड़ी स्वास्थ्य ढीली शुरू हुई और जैसे जैसे इनका समय आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इनकी समस्याएँ बढ़ती चली जाएगी। ज्योतिषी एक ऐसा माध्यम होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि एक बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लगने होने के साथ ही एक अच्छे ज्योतिष लिख देते हैं कि इस बच्चे को 60 साल में डायबिटीज हो जाएगा, या इस बच्चे की विवाह नहीं होनी है, या ये बच्चा IAS बन जाएगा, ये बच्चे को ये बीमारी हो जाएगी, ऐसी परेशानी होगी। और वही जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर साहब ब्लड शुगर टेस्ट करके बताते हैं कि इसको शुगर हो गया है, और ज्योतिषी जो है जन्म के साथ ही बता देते हैं कि इसको इस एज में शुगर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते आज के टाइम में, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि मेडिकल साइंस के साथ साथ यदि ज्योतिषी का भी सहारा लिया जाए तो आपको जो चिकित्सा लाभ है उसमें 4 चांद लग जाएगा। आप दर्शकों देखते होंगे बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो पति पत्नी हैं, शादी की 15 साल 20 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि पति पत्नी दोनों ठीक है मेडिकल टेस्ट में, फिर क्यों नहीं होता? जब वही जाते हैं ज्योतिष के पास, ज्योतिष ग्रहों का निवारण कर देते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा मूल है कि ग्रहों का भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, इसे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो आपके पिताजी के पास क्या कुंडली है आई डोंट नो, मैं आपको कहूँगा कि यदि इनके पिता आपके पिता के स्वास्थ्य अच्छे लाभ लेना है तो एक बार आप अच्छे ज्योतिष से ऐसा जगह मिलें जहाँ पर कि पूरी 24 कुंडली बनती हो। जब तक 24 कुंडली नहीं बनेगा आपको एक्यूरेट ना जानकारी मिल पाएगा ना इससे आप लाभ ले पाएंगे। इनको थोड़ा सा हॉट प्रॉब्लम भी होने का संभावना बना हुआ है, आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, मिलकर के पूरी 24 कुंडली बनवाएं। अन्यथा इनका जो समय जा रहा है वो अगस्त 22 तक का समय अच्छा नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। तो जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे आपकी पिताजी परेशानी बढ़ती जाएगी, और इसको उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ अच्छा लाभ ही मिलेगा और वही मेडिसिन इनका काम करना भी शुरू कर देगा। 2022 से परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन जैसा भी गुरुजी ने बताया आपके पिताजी के बारे में, कहाँ तक सहमत है आप गुरुजी की बातों से? हाँ जी, सेहत के लिए जो गुरुजी ने बताया। तेज बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी सहमत हूँ जी, मैं सहमत हूँ। सहमत हो तो देखिए, हेल्थ की प्रॉब्लम गुरुजी ने बताई है, अच्छे ज्योतिष से मिलकर परामर्श लीजिए ताकि जो परेशानियां आने वाली हैं वो दूर हो पाए। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, कुछ और कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हाँ जी, 1394 रॉकी नाम है मेरा। नाम बताइए अपना, थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। हाँ जी रॉकी नाम है, रॉकी जी। रॉकी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ जी 1394 जी। 1394 टाइमिंग बताइए। हेलो, जन्म का समय? आपको आवाज आ रही है हमारी? किसी कारणवश संपर्क इनसे प्रॉब्लम है। दोस्तों नेटवर्क में रहकर आप लोग कॉल कर इस कार्यक्रम में जुड़िए, क्योंकि इस कार्यक्रम में लाइव कार्यक्रम है, बात आपकी गुरुजी से होती है। अपनी डिटेल अपने पास रखिए और नेटवर्क में रहकर बात कीजिए, क्योंकि इतना वक्त नहीं हो पाता है कि आप नेटवर्क के बिना हमसे बात करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉल और है गुरुजी, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार गुरुजी, मैं अजय बात कर रहा हूँ देहरादून से। जी अजय जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 17 अक्टूबर 1989। 17 अक्टूबर 1989 टाइमिंग बताइए। सुबह के 3:25। 3:25 सुबह के। बर्थ प्लेस? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ये आपकी डिटेल है? एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से बता देंगे। 17 अक्टूबर 1989। टाइम क्या है? टाइम है इनका सुबह 3:25। 3:25 ऋषिकेश। जय जय जी, लाइन पर रहेगा, आपकी कुंडली बन रही है, गुरुदेव अभी आपको बताएंगे। आप सवाल, नाम क्या है इनका? अजय नाम है इनका गुरुजी। जी अजय जी, कुंडली बनी हुई है आपकी? जी बनी है गुरुजी। जी सिंह लगन की कुंडली है और मेष राशि हो रखा है। यदि आपके पास कुंडली होगा तो आप कुंडली खोल करके देख लें, चंद्रमा आपका एक नंबर में है नवम भाव में, और चंद्रमा के आगे और पीछे दोनों खाली है। बेटा पूरी लाइफ खाली कर देगा आपको। मैंने अभी तक 20,007 कुंडली बना रखी है और दुर्गा माता का आशीर्वाद है कि मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि जो व्यक्ति हमसे दिखा चुके हैं कोई एक वैसी मेरे सामने खड़े हो जाए कि गुरु जी मैंने आपसे दिखाया था, मुझे संतुष्टि नहीं मिली। ये माँ का माता ने का आशीर्वाद है कि आज तक मेरे टेबल पर से कोई भी आदमी अनसेटिस्फाइड होकर नहीं गया। लाभ मिलना ना मिलना बहुत दूर की बात है, बिकॉज ऑफ आई एम एन एस्ट्रोलॉजर नॉट आई एम ए गॉड। उसके बावजूद भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग दिखा तो लेते हैं लेकिन समाधान नहीं करते। तो डॉक्टर का दवा खाने से ठीक, दवा दिखाने से ठीक नहीं होता है, डॉक्टर की दवा खाने से ठीक होता है। तो आपके जो कुंडली बन रखे हैं ये बिल्कुल केंद्रम जो बना है भाग्य स्थान से, आप जिंदगी भर खटोगे 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। इस कुंडली में आपके 3-3 राजयोग बने हैं लेकिन कोई भी राजयोग आपको काम नहीं करेगा, एकमात्र केंद्रम योग पूरा लाइफ खराब कर देगा, चाहे वो करियर की बातें हों या आपकी विवाह की मैरिज की बातें हों। ऐसे बच्चों का विवाह भी नहीं होने देता है, पर विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। एक और जहाँ कुंडली कह रहा है गवर्नमेंट जॉब की संभावना है, तो दूसरी ओर कह रहा है कि आपको लाइफ को ही डिस्टर्ब कर देगा पूरा, क्योंकि आपके बने हैं केंद्रम योग भाग्य स्थान से। कुंडली बनना बड़ा बात नहीं होता है, कुंडली को समस्या को निकालना बड़ा बात होता है। तो आप क्या करें, एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, मिल करके आप अच्छी तरह से कुंडली बनवाएं। दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपको लाभ नहीं होने देगा। और आपकी जो कुंडली है वो 2011 से ही डिस्टर्ब जा रही है, अर्थात 9 साल हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा
वैसे वैसे परेशान होते जाएंगे और वो प्रक्रिया आपने उपाय नहीं की तो मार्च 23 तक रहेगी। मार्च 23 तक आपका समय बिल्कुल रिवर्स जा रहा है, निर्णय आपके हाथ में है, करना क्या है। लोग जाते हैं ज्योतिष के पास, ज्योतिष जी को खुद समस्या बता देते हैं, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, या नहीं भी बताते हैं तो ज्योतिष महोदय पूछ बैठते हैं कि आप क्या जानना चाहते हो, क्या समस्या है। मेरा कहना होता है कि यदि ज्योतिषी है तो पूछने की आवश्यकता क्या, बताने की आवश्यकता क्या। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी बन जाए, आपका जवाब भी बन जाए, आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर उपाय करें, अन्यथा बेटा पूरा लाइफ आपकी खराब हो जाएगी, खोखली हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, तो आपके बात में गुरुजी ने प्रेडिक्शन किया आपके बारे में, तो कहां तक सहमत आप गुरुजी की बातों से? जी गुरुजी, जी गुरुजी ने आपके बारे में बताया है और आपकी कुंडली भी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद आपको मैथ का फल नहीं मिल पा रहा, तो आपको एक अच्छे ज्योतिष से मिलने की बेहद जरूरत है। आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, इनसे भी मिलकर अपने जीवन को आप पूरी तरह से बदला सकते हैं, क्योंकि जो परेशानी हो तभी दूर होती है जब अच्छे ज्योतिष से हम लोग जाकर परामर्श ले पाते हैं। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कुछ और हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम, उनसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम हो गया अंगिका कुमार, कुंडली का नाम है। अंगिका कहाँ से? अंगिका कुमार धनबाद से। अंबिका जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। 10 अक्टूबर 1987। 10 अक्टूबर 1987। टाइमिंग बताइए। सुबह 9:50। 9:50 सुबह के। बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस धनबाद। धनबाद, ये आपकी डिटेल है? जी हाँ। जन्म कुंडली बनवाई है आपने अपनी? जी हाँ। चलिए, अगर आपके सामने आएगी तो उसे देखेगा, समझेगा गुरुजी क्या कुछ बताएंगे, सवाल कोई भी मत कीजिएगा, आपकी कुंडली बस बनने वाली, गुरुजी आपको अभी बताएंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली, राशि आपका वृषभ। जब वृषभ राशि होता है तो चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। आपके चंद्रमा 1 डिग्री के आसपास में है और चंद्र एक ऐसा ग्रह होता है कि वो मात्र 3 तक ही नीच के होते हैं, उच्च के होते हैं या नीच के, तो आपका चंद्रमा जो है पूर्ण उच्च का होकर बैठा हुआ है और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा जो है भाग्य के मालिक हो जाते हैं। भाग्य का मालिक उच्च का होना तो कुंडली कहेगा कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। लेकिन मैंने कई बार यह भी कहा है, एक लग्न चार्ट को देख करके, एक ग्रह को देख करके कभी भी ज्योतिषी नहीं होते, और यही कारण है कि ज्योतिषी पिट जाते हैं और आपको लाभ नहीं मिल पाता है, उनकी भविष्यवाणी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो लग्न कुंडली नमाज कुंडली को देख के प्रेडिक्शन कर देते हैं। तो हम आगे बढ़े हैं आपकी कुंडली के लिए, वो है आपका दशमांश कुंडली, चतुर्विशांश कुंडली। चतुर्विशांश कुंडली से विशेष उच्च शिक्षा देखते हैं और दशमांश कुंडली से हम करियर देखते हैं, नवमांश से वैवाहिक जीवन देखते हैं। तो आपके दशमांश कुंडली में पूर्ण केम दुमजग बना है, नवमांश से बन रखा है 20 दोष। तो ऐसे परिस्थिति में कुंडली कह रहा है, एक और आपके वैवाहिक जीवन बहुत टॉप का होना चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, मिट्टी छू लो तो सोना हो जाना चाहिए, लेकिन केमद्रुम जो 20 दोष कह रहा है कि ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता है, विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। जहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी छू लो तो सोना हो जाए, तो केमद्रुम जोग आपको सोना छू लो तो मिट्टी कर दे रहा है। मैंने कहा आपको बहुत अच्छी कुंडली है, शायद आपको और भी कई ज्योतिष बोले होंगे कि बहुत अच्छी कुंडली है और अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, देखते देखते आपके समय निकल जाएंगे, फिर समय निकल गया तो पछताए कुछ नहीं होगा। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलें, पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो समस्या समाधान करवाएं। ऐसे भी वृश्चिक लग्न की जो कुंडली होती है उसका मतलब 8 नंबर से बनना होता है, और 8 नंबर का मैंने कितना बार आपको बताया है एनालिसिस करके, 8 × 2 = 16, 1 × 6 = 7, 8 × 3 = 24, 2 × 4 = 6, 8 × 4 = 32, 3 × 2 = 5, 8 × 5 = 40, अर्थात 8 स्टेज तक आप आगे बढ़ते जाओगे, एक एक अंक गिरते जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप डाउनफॉल में जाओगे। तो इसको बचने के लिए आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल करके जो समस्या है समाधान करवा लें। आपकी भी कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जो कि बता रही है, लेकिन कुंडली कह रहा है आपकी उच्च शिक्षा में बाधा, करियर में बाधा और विवाह वैवाहिक जीवन में बाधा, हर समस्याएँ में आपको वाधा ही वाधा चल रखा है। और विशेष रूप से जो समस्या चल रखी है वो फरवरी 14 से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो चलेगा जून 24 तक। देखो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके जीवन में, जैसे गुरुजी ने अभी आपको बताया, तो आप गुरुजी की बातों से कहाँ तक सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं, बस थोड़ा गुरुजी से हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बोलिए गुरुजी। ये समस्याएं
का छुटकारा कैसे होगा, क्योंकि मेरे संपर्क में ऐसा कोई ज्योतिष? समस्या समाधान के लिए आपको मिलना पड़ेगा ज्योतिषी, डॉक्टरी और वकालत। ये तीन चीज कभी फोन पर नहीं हो सकती है। केस लगा है कोर्ट जाना पड़ेगा, बीमार हो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, समस्या है तो ज्योतिष के पास आना पड़ेगा। अब किस ज्योतिष के पास में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये निर्भर आपे पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं शिवानंद जी आपका फीस तो 11,000 है, अरे बाप रे, ऐसे कहते। लेकिन मैं कहता हूँ पूरे दुनिया में सबसे कम फीस मेरा है, और मैंने आपको बताया है क्यों कम फीस है। मैं देखता हूँ अधिकतर लोग रत्न में 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ठगे जाते हैं। और आप देखते हैं हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, 10% काट के पैसे वापस। एक व्यक्ति ने गया एक ज्योतिष के पास, मात्र 500 में दिखाया, और 3.5 लाख रुपया उनको लग गया रत्न में, हीरा पन्ना में या नीलम में। जब मालूम हुआ कि तीनों का तीनों नकली, गुरु जी ने बोला मेरे यहाँ वापस नहीं होता है, चला गया पानी में पैसा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सबसे कम फीस मेरा होता है। और कभी भी आप ध्यान रखें, ज्योतिष हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जब किन्हीं का फीस ज़्यादा होता है ना, आपको वहाँ सच्चाई मिलेगी, फ्रॉडिंग नहीं मिलेगा, अच्छे काम होंगे, चाहे मैं रहूँ या कोई ज्योतिष रहे। तो बेटा एक बार मिलने का प्रयास करो, फ़ोन से कभी मैं लाभ आपको नहीं दे पाऊँगा। चलिए गुरु जी, वक्त बहुत कम है, कॉलर जल्दी से और। जी जी बिल्कुल ले लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना जल्दी से। गौरव बोल रहा हूँ जी। गौरव, डेट ऑफ बर्थ बताएं गौरव जी। 20 मार्च 1979। टाइमिंग बताइए। 5:30 AM जी, 5:30 PM। बर्थ प्लेस बरनाला। टाइम क्या है इनका? इनका है 5:30 सुबह। 5:30 लाइन पर ये गौरव जी। जी हाँ जी बरनाला। गौरव जी कुंडली बनी है आपकी? हाँ जी कुंडली बनी है जी। जी कुंभ लगन की कुंडली है, वृश्चिक राशि आपके हैं। हाँ जी हाँ जी। आपके सप्तम घर में बना हुआ है पितृदोष, यदि आपके पास कुंडली है मिला के देखिएगा। सप्तम घर में शनि राहु का पितृदोष बना है और चंद्रमा आपका 8 नंबर में है, आगे पीछे खाली। जॉब के घर में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और केंद्रम जो बना हुआ है पूरा जिंदगी खाली कर देगा। सीधी सी मेरी गणना होती है, आपकी मैरिड लाइफ हो या करियर हो, दोनों का दोनों बर्बाद कर देगा। कुछ भी करेंगे लाभ नहीं मिलेगा। लग्न में मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है, सर में चोट लगने की संभावना बनी हुई है, सीधे ब्रेन हेमरेज तक पहुंचा सकता है। अभी जस्ट मैंने किसी गणना किया था और 4 दिन से आदमी हॉस्पिटल में है, स्कूटी से गिरा, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो कहने का मतलब ग्रहों की चाल होती है, जिसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप सावधान रहेंगे, उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में बेटा खोल के देखना, लग्न में मंगल केतु, सप्तम घर में नीचे में शनि राहु, पितृदोष अंगारा दोष और चंद्रमा से बना है केंद्रम योग। तो तीन योग आपके लग्न में बन गए, लाख प्रयास कर लोगे, पैसे कमाओगे, कहाँ चला जाएगा मालूम नहीं होगा। पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलना, पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो रही है आपकी। चलिए लाइफ आपके डिस्टर्ब, इसलिए कैसे ज्योतिष से मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो गुरु जी के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आचार्य शिवानंद जी के नाम से गुरु जी का चैनल है, जहां पर आपको हर तरह के प्रोग्राम गुरु जी देखने को मिलेंगे, तरह तरह के उपाय भी आपको वहां पर बताए जाएंगे, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुदेव आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। नमस्कार जी, शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जन पत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं, YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।